हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीर्वाद और मैं आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम देखेंगे कि अपने हाथों पे कैसे खुद को खड़ा किया जाता है, हाउ टू स्टैंड ऑन अ हैंड। तो आज हम देखेंगे, मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी टेक्निक्स है, बस थोड़ी सेफ्टी रखने की आपको एक खुले ग्राउंड में जाने का है। शुरुआत में थोड़ा डर लगेगा आपको, लेकिन डे बाय डे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करोगे धीरे धीरे आपको हैंड स्टैंड आ जाएगा। तो मेरे साथ आज चेतन, इनकी हेल्प लेके मैं बताऊंगा आपको कि अपने हाथों पे मीन्स आप कैसे स्टैंड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको। लगेंगे दो लोग जो हैंड स्टैंड करेगा, एक आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी आपका कलीग हो जो आपके साथ आपकी हेल्प करे, हैंड स्टैंड करने में आपकी हेल्प करे। तो चलो करते हो। देखिए, पहले तो आपको करना है पुशअप्स, कम से कम 5 पुशअप्स लगाने हैं ताकि आपके शोल्डर्स में और आपके बाइसेप्स, ठीक है, आपके हाथों में पावर आ जाए। देखिए शोल्डर जितना डिस्टेंस, ठीक है। देखिए, 1 डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। खड़े हो जाओ। देखिए इस प्रकार से आपने पुशअप्स लगा लिए। पहले अब साइड व्यू बताओ, इस तरीके से बताओ, पुशअप्स करो, इधर इधर फेस करो, साइड व्यू, ठीक है। शोल्डर जितना डिस्टेंस, देखिए लेग शुड बी स्ट्रेट, आपके लेग्स पूरे स्ट्रेट होने चाहिए। अप डाउन, चेस्ट को नीचे लेके जाएंगे इस तरीके से, अप डाउन, अप डाउन, अप स्टैंड अप, ठीक है। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप है, देखिए ये आप जब हैंड स्टैंड करेंगे तो आपके पार्टनर को बोलना है आपको कि थोड़ा सपोर्ट करें उनके लेग्स को, देखिए इस तरीके से। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, पहले तो स्टेप बाई आपको मयूर आसन की जो स्टेप्स होती है थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके की प्रैक्टिस करना है। ये 1 और ये 2, 1 and 2 इस तरीके से। देखिए 1 and 2, आपके हाथों को बरोबर प्रॉपर पोजीशन पर रखना है इस तरीके से शोल्डर डिस्टेंस में, ताकि जो आपके हाथ में पावर आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, देखिए किस तरीके से, चलो आप, ठीक है, आप जो कर रहे हो ऐसा धीरे धीरे आपको सपोर्ट देना है, सपोर्ट देना है इस तरीके से, ठीक है। और जितना भी शुरुआत में कमी करना है और आपके पैर उसके छोड़ देना है पीछे की तरफ, ठीक है। देखिए हैंड रखना है इस तरीके से पहले, अब उस आपके जो पैर है उसको ऊपर उठाना है, ठीक है, इस तरीके से, और ऐसे पैर को पकड़ लेना है आपके पार्टनर्स को बोल के, ठीक है, ठीक है। अगेन देखिए, पहले धीरे से हाथ रखिए और जंप करिए इस तरीके से, अगेन बैक, पहले हाथ रखिए सिर्फ और जंप इस तरीके से, और आपके जो लेग्स है उसको ऐसा धीरे से सपोर्ट करना है, पकड़ना नहीं है, पकड़ेंगे तो जो उसको फील नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से आपको सपोर्ट देना है, ठीक है। और उसको धीरे धीरे छोड़ना है, देखिए ऐसा बैलेंस करना, उसको बोलना है कि आपको बैलेंस करना है, अपने हाथों पे थोड़ा चलना है आपको धीरे धीरे, वहीं के वहीं चलिए, टैपिंग करिए हाथों पे, 1 2 बस, और सर छोड़ देना, ठीक है। कुछ भी इंजरी नहीं आएंगी आपको, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ हैं पूरे स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे रहेंगे तो आपका बैलेंस जा सकता है, डिसबैलेंस होने के कारण आप गिर सकते हो। तो लास्ट टाइम हम देखेंगे, देखिए इस तरीके से ऐसा हो जाएगा कि डे बाय डे आपको प्रैक्टिस देनी की है, और आपके जो हाथ है उसको 1 2 1 2 टैपिंग करने का है, देखिए इस तरीके धीरे धीरे टैपिंग करने का है, और धीरे धीरे उनके पैर छोड़ना है इस तरीके से, देखिए, और ऐसा बैलेंस करना है, ठीक है। चलिए अगेन धीरे से इस तरीके से, ओके, देखिए एंड बैक वापस से जाने का है इस तरीके से। तो डे बाय डे आप में जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो आपको खुद ही दिखेगा। एक फाइनल पोजीशन आपको बताने का है कि आप जब हैंड स्टैंड करोगे तो आपको धीरे धीरे हाथ छोड़ने के आपके पार्टनर्स के, देखिए इस तरीके से ये बैलेंस इस तरीके से हो गया, ठीक है। और ध्यान दीजिए, कभी भी है ना आगे की तरफ ज़्यादा मत झुकाइए, ऐसे जो पैर होते हैं इधर मत झुकाइए, नहीं तो आप गिर सकते, ठीक है। और धीरे धीरे हाथ छोड़ना है ऐसे, देखो 1 2, ठीक है। सो गाइज, डे बाय डे जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो आप बिना हाथों के उसको ट्राई करने बोलना है, जस्ट आप खड़े रहिए ताकि अगर आपको लगता है कि वो गिर रहे हैं तो आप उसको होल्ड कर सकें, आप उसको पकड़ सकें। लेकिन अब क्या है, जैसे उसने प्रैक्टिस की है तो उसको अपने आप ही आ जाएगा हैंड स्टैंड, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए इस तरीके से फिर आप इसको होल्ड करिए ऐसे धीरे धीरे, अगर वो गिरता है तो होल्ड करने की कोशिश करिए। देखिए ठीक है, इस तरीके से, ठीक है,
आप यहाँ पे बस आपके पार्टनर को बोलना है कि आप सेफ्टी के लिए बस खड़े रहो। देखिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, आपकी जो जब आप एडवांस तरीके से कर लोगे तो आपके लेग्स किस तरीके से स्ट्रेट आ जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे धीरे से आपके जो स्टेप्स है वही फॉलो करने की है। एट एडवांस स्टेप जब फाइनल में आपके हाथों में पावर आ जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा, तो आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। देखिए इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। अगेन देखिए फ्रंट साइड से शुरू कर दो। देखिए इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो। और पीछे आप सेफ्टी के लिए खुद को पीछे की साइड में लेके आइए, ना कि आगे के लिए, ठीक है। सो गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस करें, हैंड स्टैंड जल्द से जल्द आपको लगभग एक हफ्ता या दो हफ्ते के अंदर आ जाएगा अगर आपने डेली प्रैक्टिस इसकी की तो। देखिए याद रखिए कि आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए जो आपको मीन्स प्रैक्टिस के दौरान आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।